हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ऑल बांग्ला टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज मैं आपके सामने ले आया हूँ HP का इंकजेट प्रिंटर। इस प्रिंटर का मॉडल नंबर है HP 319, मतलब 319। तो इस मॉडल में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं, E4 दिखा रहा है डिस्प्ले में। अगर इस प्रिंटर को ऑफ करके ऑन करें फिर कुछ देर बाद E4 ईरोड दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, आप लोगों का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नया टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो आप लोग देख सकते हैं इस प्रिंटर में E4 प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सामने दो स्क्रू होता है उसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद पीछे दो स्क्रू होता है उसको भी खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग अभी प्रिंटर को ऑफ करते हैं। प्रिंटर को ऑफ करने के बाद स्क्रू हम लोगों को खोल लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे इस प्रिंटर को ओपन करके। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं प्रिंटर को जो पीछे जो स्क्रू है वो हम लोग खुल चुका है। दोस्तों देख सकते हैं जो केबल है, दो केबल है, एक स्कैनर केबल, एक स्विच बोर्ड का केबल है, उसको डिसकनेक्ट कर लेना। उसके बाद प्रिंटर को देखना, देख सकते हैं दोस्तों इस प्रिंटर का जो इनकोडर है, आप लोग देख सकते हैं इस इनकोडर को थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग चेंज करके देखेंगे पहले कि हमारा जो E4 प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस इनकोडर को हम चेंज कर लेते हैं। इसको खोलना भी बहुत ही आसान है, देख सकते हैं दोस्तों सामने एक छोटा सा लॉक करा हुआ था इनकोडर को। तो देख सकते हैं दोस्तों, इनकोडर हमारा खुल चुके। तो नया इनकोडर एक लगा के देखते हैं कि प्रिंटर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम फटाफट से जल्दी प्रिंटर में सेट कर देते हैं। सो दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना नया टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आता है दोस्तों, वो बिल्कुल एकदम 100% वर्किंग वीडियो होता है। आप लोगों को कोई मतलब दो नंबर का वीडियो हम नहीं बनाते, जैसे कि हॉट वीडियो वगैरह। हम जो वीडियो अपलोड करते हैं इस चैनल पे यूट्यूब में, वो बिल्कुल 100% वर्किंग होता है। सो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों का जो इनकोडर है वो बिल्कुल अभी रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्कैनर को फिर से लगाना पड़ेगा, लगा के देखना पड़ेगा प्रिंटर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्कैनर को लगा देते हैं। स्कैनर को दो केबल होता है, स्कैनर केबल और स्विच केबल, इसको बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसको बोर्ड में कनेक्ट कर लेना, इजी से एकदम इजी है कनेक्ट करना। मैं एक हाथ से मोबाइल से वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे आप लोगों को दिखा नहीं सकता पूरा लगा के। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा प्रिंटर, अभी ऑन करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, इस प्रिंटर में जेरोक्स बहुत ही अच्छा होता है, HP 319 इस प्रिंटर में। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं हमारे प्रिंटर में जो है जीरो शो हो रहा है, अभी तो E4 नहीं दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक जेरोक्स करके देखते हैं हमारे प्रिंटर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं, जेरोक्स को हमने दबाया, ब्लैक एंड वाइट वाला डिस्प्ले में 1 दिखा रहा है, और हमारा जो जेरोक्स है वो देख सकते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल जेरोक्स हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसे लगे। दोस्तों, आप लोग भी इनकोडर को देख के प्रिंटर का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।